चलिए बात करते हैं रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की। बता दें कि जहां कैबिनेट की बैठक थी और इसमें बदलाव किया गया है, तो रायपुर से खबर हम आपको दे रहे हैं और बता दें आपको कि कैबिनेट बैठक में बदलाव हुआ है। अब 29 फरवरी को रायपुर में सीएम आवास में ये मीटिंग होगी, ये बैठक होगी और पहले कोरबा में चतरेंगा में ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब जो है वो सीएम आवास में ये बैठक होगी और वो भी 29 फरवरी को। तो ये बदलाव कैबिनेट की बैठक में हुआ है। बता दें कि 29 फरवरी को विरोधपुरी मेले में सीएम शामिल होंगे और बैठक जो है वो भी सीएम आवास में होगी। ये भी आपको बता दें कि पहले ये जो बैठक थी कैबिनेट की वो कोरबा में होने वाली थी और अब जो है बैठक 29 फरवरी को सीएम हाउस में होगी। तो कैबिनेट बैठक में बदलाव किया गया है और 29 फरवरी को अब रायपुर में सीएम आवास में ये बैठक होगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता दिनेश की। दूसरे दिनेश बताए, कैबिनेट की बैठक होने वाली थी और इस बैठक में बदलाव किया गया है, क्या वजह है? नेहा बता दें कि ये लगातार दूसरी बार जो कोरबा में चतरेंगा जो है वहाँ पे बैठक हुई थी वो लगातार ये दूसरी बार स्थगित हुई। पहली बार स्वास्थ्य मंत्री के माता जी के निधन के कारण ये बैठक थी। अब दूसरी बार कल किरोदपुर में मेला लगने वाला है, जिसके लिए मंत्री रुद्रगुरु ने निवेदन किए थे, वहां जाकर बोले तो इस तरह से बैठक को निरस्त करके अब मुख्यमंत्री निवास में शाम 5 बजे करीब ये बैठक होगी। बिल्कुल दिनेश, और जो मेला यहाँ पर होने वाला है गिरोदपुरी में जो मेला है उसमें भी सीएम शामिल होने वाले हैं। गिरोदपुरी में जो है गुरु घासीदास का जन्म तंबूभूमि और जन्म स्थल माने जाते हैं। यहाँ पे कल भव्य मेले का आयोजन है जहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, साथ ही साथ वहाँ के जो रुद्र कुमार है गुरु रुद्र कुमार वो भी शामिल होंगे और हो सके तो गृह मंत्री भी वहाँ जाएंगे। जी चलिए शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो मेला जो होता है गुरु घासीदास जयंती के मौके पर यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले में सीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि कैबिनेट की जो बैठक होने वाली थी उसमें बदलाव किया गया है और ये बैठक जो है वो अब 29 फरवरी को सीएम हाउस में होगी। इससे पहले ये बैठक कोरबा में चतरेंगा में होने वाली थी, लेकिन अब इस बैठक में बदलाव किया गया है।